महापौर का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल रहा। मतगणना स्थल के बाहर ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी की जा रही थी और लोग नाच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर महापौर का चुनाव जीतने वाले योगेश ताम्रकार ने कहा कि वह सुंदर सतना, विकसित सतना और एक ऐसे शहर का निर्माण करेंगे जैसा कि स्थानीय जनता चाहती है। चुनाव जीतने के बाद मतगणना स्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए योगेश ताम्रकार ने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि नगर निगम कार्यालय में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि जैसा शहर होना चाहिए, जिस तरह की स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की गई है, मेरा प्रयास होगा कि मैं स्मार्ट सिटी की तरह शहर को विकसित करने का प्रयास करूं। उन्होंने कहा कि इसमें सभी का प्रयास आवश्यक है। उन्होंने अपनी जीत के लिए सतना की जनता का आभार व्यक्त किया। अच्छा सपना, विकसित सपना, प्रदूषण मुक्त सपना, इस प्रकार की कल्पना लेकर मैं काम करूंगा और सबके सहयोग से मैं इसमें सफल हूँ। इसमें मुझे कोई दो मतलब क्या नया लाए नया सबसे पहला नया विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास की बात है। विश्वास अर्जित करेंगे नगर निगम के माध्यम से। लोगों में जो विश्वास की भावना की कमी आई है वो नगर निगम सैकड़ों कर्मचारियों के माध्यम से उनके साथ मिलकर और जनता के बीच में विश्वास पैदा करेंगे कि नगर निगम आपकी सुविधा के लिए है, आपकी परेशानियों के लिए नहीं है। ये मेरा दायित्व है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, नंबर भी जारी करेंगे या पहला क्या काम? मैंने अपने संकल्प पत्र में ये लिखा था कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा और एक कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे। वहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को भटकना नहीं पड़े, किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कागज वगैरह प्राप्त करने में असुविधा न हो, एक आम आदमी को नगर निगम के प्रति विश्वास की भावना से वो वहाँ आए और नाराज होकर नहीं खुश होकर जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। सतना के बाशिंदों ने आपको जीत का तोहफा दिया है, आपने सतना के निवासियों को कौन सा तोहफा देंगे जीतने के? पहला तोहफा कौन सा होगा आपका? देखिए, पहला किसी का विषय नहीं है, उसको विकास के नाम पर लोगों ने छोड़ दिया है। जनता ने मुझको विकास करेंगे इस विश्वास के साथ मुझे चुना है। मुझे लगता है कि एक नहीं कई ऐसे काम रहेंगे जिनको मुझे करके दिखाना है और 6 महीने के अंदर आपको परिवर्तन मिलने लगा। भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है और उनके काम में क्या परिवर्तन, क्या अलग क्या होगा? देखिए, जिन्होंने भी इस पद पर रहे हैं सबने अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए हैं और उन प्रयासों में सब सफल हुए। कुछ काम बचे हुए हैं करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, सब काम करने। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।